Hello, man. Assalamu alaikum. This is Mila Fatma. Welcome to my new vlog. Welcome to another vlog and welcome to another very beautiful day. First of all, good morning to all of you. ठीक है, अभी हो रहे हैं आई थिंक 3:15 3:30 हो रहे हैं. ठीक है, अभी हम लोग उठे हैं और अब सहरी के सारे सीन होने वाले हैं. ठीक है, सहरी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आज का रोज़ा रखेंगे और जो सारे दिन की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ठीक है, मेरी सहरी बन गई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं सहरी में क्या क्या खाती हूँ. और बस सहरी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रोज़ा बंद करते हैं. देन मेरी सहरी में आज की माँ आलू ठीक है विद पराठा और पानी मैं ले आई हूँ अपने लिए. ठीक है, और बस अभी हम लोग की सहरी करके उसके बाद नमाज पढ़ते हैं. तहज्जुद मैंने पढ़ ली है, तहज्जुद के बाद अब हम लोग फजर पढ़ेंगे. ठीक है, बस सहरी कर लूँ मैं फटाफट, उसके बाद फजर के जाने हो जाएंगे, फिर वो पढ़ के हम लोग थोड़ी देर सो जाएंगे. ठीक है, कुरान पाक के सामने पढ़ा हुआ उसकी भी तिलावत करेंगे. ठीक है, वेल अभी हम लोग सो जाएंगे, उसके बाद फिर सुबह उठते हैं और देखते हैं हमारे क्या हालात होने वाले हैं और किस तरह की रूटीन जाएगी. जो जो होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. ठीक है, बीच में एकेडमी होगी, सब कुछ होगा और आपको पता है आज सैटरडे है, तो देखते हैं किस तरह के हमारे हालात आते हैं. हाजिर कल गया था दादू की तरफ तो वो उधर ही रह गए. अब मैं उकाशा हम लोग घर में, अब सबका रोज़ा होगा और देखते हैं फिर हमारा क्या होने वाला है, क्या हिसाब होने वाला है, किस तरह के सारे हालात होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैरी कर लें और बस, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई आप लोगों को पता है सारी में, मैं सिर्फ ये पकौड़े समोसे खाती हूँ और मतलब खाना नहीं खाती, फिर मैं सैरी टू सैरी खाती हूँ. तो बस अभी सैरी में हम लोग खाना खा लें, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं हमारे क्या हालात है. मैं कहती हूँ जो मज़ा है देसी नाश्ते का ना, वो किसी चीज़ में नहीं है. मैंने ठीक है नमाज भी पढ़ लिया. ओके, और सहरी भी मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. रमजान तो अब हमारा आज का रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया शुरू और उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा. ठीक है, और बस अभी कुरान पाक की थोड़ी सी तलावत करते हैं, फिर मेरा कमरा आज सेट. ठीक है, आज जाके हम लोग फिर देखते हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर सुबह उठते हैं और देखते हैं हमारी क्या रूटीन होने वाली है. अभी तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, सर में भी दर्द हो रहा है. रोज़ा मैंने रख दिया है, रोज़ा मेरा बंद हो गया, तो बस अब ऐसा करते सो जाते हैं. ओके, टेक केयर, गुड नाइट. अब आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी सुबह उठ के 12 बजे तक. ओके एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग. ठीक है, मेरी मॉर्निंग हो गई है. रात को मैंने आप लोग को जो थोड़ा सा सहरी का दिखाया था वो भी बस फटाफट हम लोगों ने सहरी की और उसके बाद नमाज पढ़ के मैं सो गई थी. अभी मैं सुबह उठी हूँ तो हमारा आया हुआ था ऑर्डर. ऑर्डर क्या है मैं आप लोग को वो भी दिखाती हूँ. हमारे ये आए हैं कुछ सैम्पल्स परफ्यूम के. मोमो बाबा ने ऑर्डर किए हैं या आपने? बाबा ने किए हैं. इसमें तकरीबन 10 सैम्पल्स हैं. ठीक है, और इनकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है, इतनी ज़्यादा. ये भी हम लोग काशा ने चीर फाड़ के लदा की है, इसको निकाला विंकी आए थे विंकी के, लेकिन बहुत मज़े की इनकी फ्रेगरेंस है. ठीक है, हमने अभी इनमें से चूज़ नहीं किया क्योंकि बाबा ने ज़ाहिर ऑर्डर किया तो बाबा ही करेंगे. और यहाँ पे हमारा शेफ़ लगा हुआ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बना रहा है. क्या बना रहे हो? आई क्या बना रहे हो? समोसे. इसकी टेक्निक देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम भी ट्राई करेंगे बनाना. क्योंकि कल जो हमने बनाए थे ना, वो पता आपको कैसे, कल भी इसी ने बनाए थे, बट कल ना हम लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाए थे. तो वो उनकी नोक एक यहाँ से निकली हुई, दूसरे की वहाँ से निकली, वो पूरी पूरी गंज बनी हुई थी. बट वो तो कल हमने उससे काम चला लिया, लेकिन आज हम लोग सही अच्छे अच्छे बना रहे हैं. ठीक है, पहले काशा एक बनाएगा, फिर उसके बाद मैं भी ट्राई करूँगी, वो भी आप लोग को मैं दिखाऊँगी जो मेरा बनेगा. एड सम मसाला. इसकी शेप सही बनी है. देखते हैं काशा का समोसा कैसे बनता है. खाने वाले याद है काशा? नहीं. 3 hours later. ओके भाई, तो मैं आ गई हूँ अकेडमी से. ठीक है, और बता आप लोग क्या हुआ सुबह. हम लोग इस तरह बना रहे थे ना समोसे. ठीक है, अम्मा हमारी उठ गई और उन्होंने फिर ना उठाया चमचा और हम दोनों के पीछे लग रखा था. इनका तुम लोग जलीला तुम लोग ही कर रहे हो, इतना घन बना दिया तुम लोगों ने, मेरा रोज़ा है तुम लोगों का ज़रा ख्याल नहीं है. सब मम्मा शुरू होगी. ठीक है, फिर हम लोगों ने उसी टाइम रख दिया. हमने कहा यार मम्मा तब की हैं, ये बात ठीक है, तो लिहाजा रख दो. तो अब लोग दोबारा करने लगे हैं, ये बनाने लगे हैं. ठीक है, ये कुछ ट्राई कर जी. तो जाकर मम्मा किचन में देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं. ठीक है, उनका मूड ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? तो अभी तक एंग्री बर्ड पर नहीं है वो. मैं अभी आई हूँ अकेडमी से. आज जल्दी वैसे छुट्टी होगी मुझे यार, अच्छी बात. तो यार अब क्या, मैं अब आके मंजी प्लेट जो ऐसा तो नहीं होता ना यार. अच्छा आप मुझे एक बात दो, आपको मूड ठीक हुआ? मूड अच्छा है बस, मुझे आज रोजा लगा हुआ है, पता नहीं क्यों. कर क्या रही हो? मैं आंडी बना रही हूँ और
साथ जो है क्या नाम है, मजी, क्या बना रही है, कीमा बना रही हूं। और साथ बस बर्तन धो रही हूँ। हाँ काम मम्मा को काम करना पड़ रहा है ना, अभी तो काम तो रोजाना नहीं कर इस रही नजर आ रहा है। और मेरी बात सुनो, जरा अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। पाशा क्या कर रहा है, इतनी देर से खामोशी है, वो यकीनन कुछ कर रहा होगा। ये यकीनन आपका अंदाजा सही निकला है मम्मा। समोसे मम्मा फिर शुरू हुआ मैं बनाने हमारी सुबह गई जो इज्जत हुई मम्मा से, ओए हो चस आ गई मम्मा ने यहाँ से बेड से छलांग मारी और हम लोग को यहाँ से मम्मा कहती उठते हो मम्मी की मैं चीज़ें उठा के बाहर फेंकूँ। फिर हम लोग खैर उठ गए थे, हमने कहा यार चलो उठ जाते हैं, बदतमीजी में से हाथ निकालते हैं और ये समोसा बहुत ही मज़े का रेडी हो गया। भाई इस पर क्या लगा रहे हैं, मैदे वाला पानी ताकि ये अच्छे से ना जुड़ जाए। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पकौड़ा तैयार हो गया भाई। पकौड़ा नहीं सॉरी समोसा, मेरा बात मारी गई, लगता है आपको ज़्यादा ही रोजा मुझे लग गया। समोसे को मैंने पकौड़ा बना दिया। इसके बाद गाइस एक मैं ट्राई करूँगी और वो काशा मेरा भी ब्लॉग बनाएगा, ठीक है। मैं पहले इसे सीखूंगी कि किस तरह फोल्ड होता है, बाकी तो मैं कर ही लूँगी, ऐड तो मैं चीज़ें कर ही लूँगी। ये हमारा फर्स्ट समोसा तैयार हो गया, आप इधर रख सकते हैं समोसे को, इधर ट्रे में नहीं, इधर इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो काशा अंदर बना रहा है, ठीक है। वो मुझे बनाने नहीं दे रहा, वो कह रहा है बाकी मैं खुद बनाऊंगा, तुम चुप कर जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं चुप कर जाती हूँ, मैं किचन में आई हूँ। और मम्मा समोसे बना रहा है यार, वो जो इससे सुबह में कुट पड़ी है जिस बात में तो अभी हम लोग इस पे चम्मच हिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि मम्मा कर रही है काम और हम लोग ना सिर्फ ये चम्मच इसमें डाल रहे थे, ठीक है। अभी अफ्तारी की तैयारियाँ हमारी सालन से स्टार्ट हो रही हैं, इसके बाद क्या क्या बनाना है मम्मा जी आप बताएं। शेक बना देना और मैं क्या नाम है यस, अभी हम लोग रोटी तो खा रही है, मम्मा पापा ही खाते हैं, हम नहीं खाते। पकौड़े वगैरह आप बनाए, मैं मिल्क शेक बनाती हूँ मज़े का, ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के। और फिर हम लोग आज का मम्मा आज बाकी रोज़ा लग रहे यार, आज गर्मी है क्यों ना। आप ये लाश ला देखते, मैं ज़रा बाइस हो क्या काम से ना, मैं वैसे बड़ी काम चोर हूँ, ठीक है। काम से ना भागने का ये बड़ा ही आसान और अच्छा और प्यारा तरीका। गईस काली बिल्ली नज़र आ रही, काली बिल्ली काली बिल्ली काली बिल्ली रोकने करी। और ये आप लोगों को फूल मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने दिन को साफ़ किया सारा और ये अब फिर गंद हो गया, सारे फूल फूल गिर गए यहाँ से, उड़ उड़ के गिरते रहते हैं, बच्चे शच्चे भी गली में। रुको जरा सबर करो। ओके अब मैं मुझे अभी काशा तरीका बता रहा है बनाने का, ठीक है। मैंने एक ही रोल पट्टी ले लिया एंड अब शुरू से बताओ ना भाई इसको, इसको अभी हम आटा ना मुझे सिखा दो, तुम्हारे इतने फिट बन रहे हैं। इधर मुझे बताओ इसको क्या करना है, इसको ऐसे इसको पेड़ मार दिए। जल्दी बताओ, मुझे भी साथ पागल करोगे ये भी मुझे ये बना के देगा, ऐड इसमें चीज़ें मैं करूँगी, मुझे बस बना के दो, ये मुझे बना के दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐड आपकी बहन करेगी यार, आपकी बहन भी काम करेगी, बस ऊपर ऊपर से ये कह रहा है बीच में से मैं करूँगी। आप लोगों को पता है मैं बड़ी कमजोर नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, बट वो आप लोगों को नज़र नहीं आता, वो अलग बात है। जी मम्मा आ रही हूँ, मैं अपना पहले एक समोसा तैयार कर लूँ। हाँ मैंने अफ्तारी में यही खाना है, सही बनाओ ना भाई, मेरा वाला तुम खराब कर रहे हो। ये लो इसमें से डाल, ये अंदर इसके अंदर डाल। अच्छा अब काशा को हम मोबाइल पकड़ाते हैं ताकि वो हमारा थोड़ा सा लोग ने, अभी इसमें हम लोग ये मसाले ऐड कर रहे हैं, सही है गाइस। मम्मा देखना आज मैं इतना मजे का आपको खिलाऊंगी ना समोसा बना के, बस मम्मा बाहर गुस्से समय दे रही है। अल्लाह जी प्लीज़ सही कर दीजिए। काशा आज रोज़ा लग रहा है आपको, हैं बताएं ना। नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका रोजा आई नहीं क्योंकि काशा का रोजा आई तेरा बड़ा रोजा है बेटा, मेरा रोजा है तुझे क्या पता है। मैं सुबह सहरी के टाइम उठी थी बट हमने तुम्हें नहीं बताया, हमने तुम्हारे साथ झूठ बोला है यार। इस आदत थोड़ा डाल काल छह चमचे भर दिए यार, मुझे नहीं पता था ना, समझा करो ना। अब इसमें वो लगाओ मैदे का, सब्र मैं शायद काल आदा नहीं, मेरा समोसा मेरी मर्जी। अभी आप इसको पेस्ट करते हैं। आई वुड
हाँ यही से लगा रही है, बड़ा चिपकेगा। हमारा सुबह से कोई आगे देख लेना। चलो 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 बांध कर। माशाल्लाह 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 वेरी गुड। चलो अब बांध कर दो, तो दे दूंगी। अब बाकी का आशा आप पे, अब बाकी का आशा बनाएंगे ठीक है। कैसे ये बना रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे बना लिए। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, हम लोग बनाते हैं स्ट्रॉबेरी शेक। ओ सॉरी अभी मैं स्पेशल रूम में आई हूँ, सिर्फ अपने ये पहनने शूज किए। अब बाहर के जाते हैं और बनाते हैं ठीक है। यहाँ उठाएं मो, मैं बनाऊंगी ना, आपको मैंने कहा था ना, इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया, तो हम फटाफट से दूध ऐड करते हैं। ओके मम्मा अच्छे से आप इसको मिक्स करें। स्ट्रॉबेरी ऐसे ही डाल दिए, कट करके डालो। आज हमारा पकौड़ों का पेस्ट भी रेडी हो गया ठीक है। यहाँ से हम लोग स्ट्रॉबेरीज डालते हैं, ऐसे ये खुद ही मैश हो जाएंगी। सही है, बस काफ़ी है, काफ़ी है, अच्छा वाला टेस्ट आया ना यार। अभी इसको हम भाई जाके करते हैं। पैन नाजीन में अब आप इसको इसकी लुक दिखाती हूँ आपको ठीक है। बनाया वैसे मम्मा नहीं है, पर मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए ठीक है। मम्मा पकौड़े बनाए और बस फिर अभी हम लोग जाके और कुछ करना है मैंने नहीं, और कुछ नहीं, बस मैं खीर बनाने लगी हूँ ठीक है। तो फिर तो इतनी डाली क्यों यार, इन एनर्जी लाओ अंदर से। तुम्हारा रोजा नहीं है बहन, तो तुम एनर्जेटिक हो सकती हो, मैं नहीं। झूठ वैसे देखो रोजे में झूठ बोल रही, शर्म तो नहीं आती आपको? मजाक कर रही हूँ ना, मुझे पता है तुम्हारा रोजा है, लेकिन ये है कि अब फिर मैंने सारे काम भी तो करने होते हैं ना साथ घर। तो आपको अब अच्छा, अब आपको ये मतलब है कि मैं काम नहीं करती? बस ये अब तुम्हें पता है ना, आपको बहन लड़ना आगे रोजा मेरा। हाँ अभी रोजा है, अभी और काम भी मैंने करने हैं बहुत सारे। अभी फ्रिज में जाके देखो चटनी बनी हुई है कि नहीं। आटा गूंदो आप चुप करके, मैं जाके देखती हूँ। अगर मैं आपको अपने फ्रिज के आज जलाते चेक करवाती हूँ, इतनी भरी हुई है कि इसमें किसी चीज की जगह ही नहीं है, ये चेक करें। मैं कल की इतनी सी चटनी है सिर्फ, काफी हो जाएगी आई थिंक, काफी हो जाएगी। इसको दोबारा रख के आते हैं और बस आप बाकी मम्मा ही करेंगी, मेरे से कुछ भी नहीं होता। बना रही हूँ समोसा ठीक है, लेकिन ये पकौड़े मम्मा ही बनाएंगी, वो मम्मा का ही काम है, लेकिन मैं अभी ये बना रही हूँ। ये बनाते हैं थोड़े से, उसके बाद फिर बस टाइम होने ही वाला अफ्तारी का, फिर जाते हैं अंदर अफ्तारी के लिए सामान रखते हैं, चीज़ें रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैंने तीन फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए हैं और आई थिंक ब्राउन हुए, जले नहीं हैं, अच्छे बन गए। ओके एवरीवन, सो अब भी हो गया अफ्तारी का टाइम ठीक है। मुझे मम्मा ने भेजा जो काशा को बुला के लाओ, तो मैंने कहा चलो साथ ब्लॉग बनाते हैं, आपको थोड़े से अफ्तारी के हालात भी दिखा देते हैं। और भाई अफ्तारी का टाइम हो गया, उठ उठ जल्दी कर, मैं लाइट ऑफ करने लगी कमरे की, जल्दी नहीं कर, चल लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं ठीक है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 5 मिनट रह गया, बैठ के दुआ वगैरह हम लोग करते, इतनी देर में टाइम हो जाएगा ठीक है। अफ्तारी का सब कुछ सामान ऑल सेट है ठीक है। अब हम लोग बैठते हैं और अफ्तारी करते हैं, दुआ वगैरह करते हैं ठीक है। बाबा इससे पहले जाके हम लोग मम्मा को बुलाते हैं, वो आए बैठे। और इसको क्यों दोबारा ले आई हो, ये क्या किया है तुमने? एक काम से अपने तुम्हें स्ट्रॉबेरी उसी तरह अंदर, अब शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो अभी हो जानी थी तुम्हारी इज्जत। अब मम्मा दोबारा कर रही है यार, वैसे मम्मा मैं इतनी कमजोर भी नहीं थी, बट लेकिन आप देख लो, शुक्र है मैंने देख लिया। उसी तरह स्ट्रॉबेरीज आते भी नहीं हुए यार, वो उसी तरह पूरे पूरे पड़े हुए हैं। आप दिखाएं जरा आप अपनी कारगिरी, ये देखो अब हो गया। सो फाइनली गाइस मम्मा का आज आउटफिट चेक करें, इतना प्यारा पर्पल कलर का लग रहा है। 3 hours later. Okay, so mama पढ़ रही है कुरान पाक ठीक है। मामा ने नमाज पढ़ ली, उकाशा आज गए मैं तरावीख पढ़ने, मैंने सोचा पहले मैं कुरान इसकी एंडिंग कर लूँ, व्लॉग एंडिंग कर लूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ नमाज। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से 5वां रोज़ा भी डन हो गया ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, ईद की शॉपिंग भी धड़ धड़ हो रही है, वो मैं अब न जा सक रही हूँ ना आप लोगों को दिखा सक रही हूँ। वेल आप लोगों को उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दे, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।